को बुलाइए, रजिस्टर दिखा दे रहा हूँ, आप खुद आंकड़ा कर लीजिए कि हमारा कितना का नुकसान हुआ है। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। और झारखंड में कई ऐसे जगहों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को फ्लाईओवर की सौगात दी जा रही है। तमाम ऐसे जो मुख्य रोड है वहां पर कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, 4 लेन फ्लाईओवर, तो कहीं कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। कई लोगों के वेबसाइट ठप हो चुके हैं, सड़कों पर आने जाने की समस्या हो रही है, अस्पताल में जाने की समस्या हो रही है, और खास तौर पर जो नाली है वो सड़क पर बहाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। इसे लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों की कुछ शिकायतें हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिकायत है, और कुछ मांग भी है कि कम से कम 1 लेन वाली रोड इन्हें देनी चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। परेशानी तो है खाली, अब इससे फायदा होगा या नहीं होगा ये तो भगवान जाने, आगे का समय जाने, लेकिन अभी तक नुकसान की बात करते हैं तो बढ़िया बढ़िया आदमी को बुलाइए, रजिस्टर दिखा दे रहा हूँ, आप खुद आंकड़ा कर लीजिए कि हमारा कितना का नुकसान हुआ है ना। हम लोग को अभी रोजी रोटी नहीं चल रहा है, भूखे समझिए हम लोग रह रहे हैं। कितना महीना हो गया अभी, अब इस तरह से रास्ता बंद कर दिया, मेरा पैसेंजर भी नहीं आता है, अब पता नहीं जिसको फायदा है, जिस कंपनी को, उस कंपनी को फायदा है, राज्य के लोगों को फायदा है, हमें भी फायदा होगा। सड़क बन जाएगी तो फायदा आपको नहीं होगा, हमें भी होगी फायदा, लेकिन उससे ज्यादा तो नुकसान होगा है ना हमें, तो इस पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं ये तो आप ही लोग बता सकते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए। सरकार जो है, जो सरकार अभी सरकार चला रही है झारखंड में, उसे तो ये सोचना चाहिए था कि हम लोग छोटे मोटे उद्योगपति हैं, किसी तरह जी रहे हैं। 20 साल तो लालू जी के शासन में हम लोग को भूखे रख दिया गया, पढ़ाई लिखाई नहीं, हमसे दूसरा IAS IPS है, हम लोग बनते तो ईमानदार बनते, ये सारा चोर तो बन गया है, तो हम लोग को तो ऐसा पैर को बांधा गया, बांध करके, और गधा को तेज बोला गया, उसको दौड़ा दिया गया और हम लोग को जिता दिया गया है ना। लेकिन खैर वो भी नहीं, हम लोग तो संघर्ष करते हैं, बचपन से आज तक संघर्ष करते हैं, खानदान के खानदान संघर्ष से करते आए हैं, लेकिन सरकार को चाहिए था कि हम लोग को कुछ हमारे विषय में सोचे। सारे लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है इस जगह की, 2 महीना से एकदम बिल्कुल बाजार बंद है, 2 लाख का नुकसान हर महीना में हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस शख्स को 2 लाख रुपये का नुकसान, 1.5 लाख का होगा, सब स्टाफ 10 गो है, लेकिन खर्च तो वही है, लेकिन आ नहीं रहे हैं पैसे, एकदम नहीं, रास्ता ही नहीं है, क्या कौन आएगा, अपना बढ़िया कपड़ा 5,000 का गंदा करवाने के लिए कौन घुसेगा, देख नहीं रहे पूरा कंडीशन क्या है। आप लोग सरकार को बोलिए कि हम लोग के ऊपर थोड़ा ध्यान देने, तो मर जाएंगे हम लोग इस तरह से, जितने भी यहाँ दुकानदार हैं सब के सब का वही स्थिति है, तो आप लोग सरकार को हमारी बात को पहुँचाइए, और सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की कुछ ना कुछ मदद करे, है ना, यही करना। क्या भैया क्या कुछ परेशानी हो रही है, ये बता सकते। देखिए मैडम, सबसे पहले क्या है कि ये नाला का, देखिए नाला का क्या स्थिति है, आप लोग देखिए, वो देखिए नाला पूरा रोड पर बह रहा है, वो सरकारी तंत्र इधर से 24 घंटा अप डाउन कर रही है, आप लोग देखिए क्या स्थिति में, इतने नले के पानी में कितने आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं, इस रोड का स्थिति आप देख ही रहे हैं जो आपके सामने है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग मीडिया में दीजिए कि हाँ कम से कम आने जाने वाले लोगों को, कम से कम आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, कम से कम 2 व्हीलर दवा दुकान है बगल में हॉस्पिटल है, तो बहुत कोई यहाँ गाड़ी लगा कर जाते हैं, वो अपने रोजगार तो टोटल ही बैठा हुआ है हम लोग का, खैर रोजगार की तो बात है, वर्तमान अभी थोड़ा खराब है, तो भविष्य हम लोग तो नजर ही आ रहा है, लेकिन आने जाने का कुछ तो आप लोग सोचिए, इस तरह का देखिए रोड पर खड़ा करके देखिए बंद है, काम हो रहा है, आप देखिए काम हो रहा है, पूरी तरह ठप है कि नहीं, काम आप लोग को सामने ही है, है? तो इसको मानते हैं कि थोड़ा सा खाली रहेगा तो कम से कम एक गाड़ी आएगा जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो सड़क बनाने का काम चल रहा है, भले ही मुख्यमंत्री द्वारा लोगों को सौगात दी जा रही है, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और ऐसे ही फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में कई लोगों को और खासकर कई व्यवसायी
को इसका असर देखने को मिल रहा है, वेबसाइट ठप हो चुका है, जो इनकी रोजी रोटी है उस पर साफ असर पड़ रहा है। इसे लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी व्यवसायी कर्मी हैं वो चिंतित है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल कर रहे हैं। अब जब तक फिलहाल ये कॉरिडोर और फ्लाईओवर बनने का निर्माण कार्य चलता रहेगा, कहीं ना कहीं इसका असर इन व्यवसाय पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि निर्माण कार्य कब तक बनकर तैयार होता है और जो इनकी जो मांग है या फिर जिसे लेकर ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर एक जो है लेन बना दी जाए, वो कब तक दिया जाता है। तब तक के लिए बने रहे हैशटैग भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।